ये सामने माइनिंग कौन कर रहा है फिर? अरे एक सेकंड भाई, ये क्या चीज है भाई? ये ज़ॉम्बी क्या करने आ रहा है भाई? ये इतना डरावना है। भाई हीरो ब्राइन ने सच में नाक में दम कर रखा है उस बंदे को। मैं सब हाँ बहुत बढ़िया, मतलब अब यहाँ क्या करने आए हो और अभी भी हवा में उड़ रहे हो, लाइटनिंग कर रहे हो? ओह नो भाई, भाई ये बंदा नहीं समझने वाला। ऐसे करो ना भाई, क्या कर रहे हो वहाँ पे? मॉडर्न हाउस क्यों बनाया तुमने? कैसल बनाते ना बड़ा सा। अरे वाह गुड आइडिया। यहाँ ऐसा करो ना, आग लगा दो सब में, मेरा घर भी जला दो लकड़ी का, जो करना करो। मैं ये सर्वाइवल सीरीज अकेले कंटिन्यू कर लूंगा और अपना फूल अपने पास रखो, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। और जाओ यहाँ से, जाओ अपने उस घर में रहो और कैसल बना लो वहाँ पे। वो मॉडर्न हाउस तो जच भी नहीं रहा है तुम पे, कैसल बनाओ ना बड़ा सा, मस्त अपनी पावर्स का यूज करो। सर्वाइवल सीरीज को सर्वाइवल सीरीज मत रहने दो तुम। हाँ और ये बारिश क्यों कर रहे हो अब तुम? ये बारिश करके तुम ये दिखाना चाहते हो ना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? अब मुंह नीचे क्यों कर रहे हो? मुंह ऊपर करो। भाई मैं क्या करूँ यार, भाई तुम्हें मैंने बहुत चांस दे दिया पर तुम समझते ही नहीं हो मैं क्या करूँ। हाँ देखा, इसे ये भी पता है कि मेरे पास खाना नहीं है, अभी भी अपनी पावर्स का यूज कर रहे हो। ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या करूँ यार, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। खैर मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है? तुम जाओ अपने उस मॉडर्न हाउस में रहो, नहीं बात करनी मेरे को तुमसे, मैं अकेले कर लूंगा ये सीरीज कंटिन्यू, तुम्हें जो करना करो। अब मेरे घर में क्यों आ रहे हो तुम? तो भाई तुम अमीर आदमी हो, तुम उस मॉडर्न हाउस में रहो, मेरे इस छोटे से घर में क्यों आए हो तुम? ऐसा है चलो तो फिर बाहर जाओ, मेरे को सोने दो। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, जाओ अपने उस मॉडर्न हाउस में जाओ। करना करना क्या चाहते हो तुम, ये बताओ करना क्या चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगा, दो साल का किराया देके जाऊंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? हो रहा है सच में? इस बार करोगे पक्का? ये लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? अब तुम इतना कुछ कर रहे हो इसलिए तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, वरना लास्ट चांस तुम्हें देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खैर चलो फिर, अभी के लिए ये वेदर तो क्लियर करो, ये बारिश कर रखी है तुमने अभी तक। और मैं जा रहा हूँ सोने, और सो के मैं दिन करता हूँ, तुम दिन मत करना, मैं सो के दिन करता हूँ फटाफट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो चलो गाइस सुबह हो चुकी है एंड ये रही हीरो ब्राइन, ठीक है? तो अब जैसे कि तुमने बोल दिया है कि अब तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे, ठीक है? तो देखो आज का हमारा प्लान ये है कि फर्स्ट वाले एपिसोड में हमने घर बनाया और तुमने वो मॉडर्न हाउस, चलो तुम्हारे घर का बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन आज के इस वाले एपिसोड में देखो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा और ग्रो करना है बिना तुम्हारी पावर्स का यूज करे हुए। तो हमने देखो घर बना लिया है, अब मेरे को चाहिए आर्मर, ठीक है? क्योंकि मैं मतलब मेरे पास आर्मर नहीं है और कोई मॉब भी मेरे को मार के जा सकता है। तो सबसे पहले आज के इस वाले एपिसोड में हम जाएंगे माइनिंग पे और बनाएंगे एक डायमंड का अच्छा सा आर्मर, लेकिन उससे पहले मेरे पास खाना भी नहीं है, तो चलो फिर खाना लेने चलते हैं, आ जाओ। तो गाइस अब मेरे को लग रहा है फाइनली ये लेजिट होके खेला, बिकॉज इसके पास वुडन सोर्ड तक नहीं है और भाई ये अपने पेड़ तोड़ रहा है जाके वुडन सोर्ड बनाने के लिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ऐसे खेलना है मैं? तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल, मार डाल मुझे, मार डाल। तो फाइनली गाइस यहाँ पे यार मैंने बहुत सारे फिशेस मार के टोटल 31 रो सैल्मन भाई इकट्ठे कर लिए हैं। मैं इनको कुक कर लेता हूँ। हीरो ब्राइन खाने इकट्ठा करा तुमने? ओके नाइस। और अरे अरे इतनी सारी गाजर कहाँ से लेके आए तुम? ओके शायद इसने ओके विलेज से लिया वहां से, ठीक है ठीक है ठीक है। और तुमने सोर्ड बना ली? ओके वुडन सोर्ड, नाइस। और पिकैक्स? जादू। ओ एक सेकेंड, मेरे को ही लगा इसके हाथ में नेदराइट सोर्ड थी या फिर वुडन सोर्ड ही थी। भाई ये मेरे को चेक करने के लिए दिखा रहा है, हाँ वुडन सोर्ड है। मेरे को एक पल के लिए ऐसा लगा कि तुमने नेदराइट सोर्ड ले रखी है। नहीं ठीक है, तो हमारे पास खाना हो चुका है, अब हम बनाएंगे फर्नेस। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्लैब्स, बिकॉज हमारे पास कोल तो है नहीं, तो मैं स्लैब्स बना लेता हूँ। और हीरो ब्राइन भी वुड लेके आ गया। हीरो ब्राइन बस ऐसे ही खेलना है तुम्हें, सेम ऐसे ही, ठीक है? कोई पावर्स का यूज नहीं। देखो कितना ज्यादा ये फिर से तुमने यार ये सोर्ड बार बार फेंक रहा है। भाई ये है तो वुडन सोर्ड, लेकिन एक पल के लिए मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि इसके पास नेदराइट की सोर्ड है। तो चलो गाइस इतने अपना खाना कुक हो रहा है, इतने यार मैं अपने आपको स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ। तो गाइस ये मैंने बनाई स्टोन की एक्स एंड ये बनाई मैंने सोर्ड। तो फाइनली गाइस यहाँ पे यार ऑलमोस्ट अपना सारा खाना जो है वो कुक हो चुका है, और बाकी जो खाना है वो हम नीचे माइनिंग में जब जाएंगे तब कुक कर लेंगे। तो हीरो ब्राइन तैयार हो तो माइनिंग के लिए? ठीक है तो चलो फिर ये फर्नेस भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो अब चलते हैं माइनिंग पे, यहाँ पे आगे चल के एक माइनिंग एरिया था, चलो वहाँ पे चलते हैं। और ये रहा, चलो यहाँ से चलते हैं माइनिंग पे। ये केव तो बंद होगी, तो चलो ऐसे करते हैं हम यहीं से माइन करते हैं। तुम्हारी स्टोन की पिकेक्स कहाँ है? नहीं है तो तुम यहाँ माइनिंग पे क्यों आ गए? तुम्हारे पास स्टोन की पिकेक्स नहीं है? इधर देखो अब मुंह क्या छुपा रहे हो? नहीं है
भाई देख रहे हो, ये बंदा बिना कोई पिकेक्स वगैरह लेके सीधा माइनिंग पे आ गया। भाई सच बताऊ तो मैंने सोचा था कि मेरे साथ सर्वाइवल सीरीज में कोई रहेगा तो भाई मेरा आधा काम वो कर दिया करेगा, और ये बंदा भाई पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंड है, मतलब कतई रईसों वाली जिंदगी जी रहा है। देखो माइनिंग पे आ गया और पिकेक्स लाया ही नहीं बना के। चलो यहाँ पे हमको एक केव मिल चुकी है और आगे चलते हैं, यहाँ पे कोपर है। ओ क्रीपर ध्यान से, भाई साहब हाथ से मार रहा है। ओके वुडन सोर्ड है इसके पास। और एक चीज थी भाई, क्रीपर फटा क्यों नहीं इसे देख के। खैर ये शायद सारे मॉब्स का बॉस है इसलिए मॉब इसे कुछ भी नहीं कहते, भाई इसका भी सही है। तो चलो गाइस यहाँ से मैं आयरन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आयरन स्मेल्ट होने के लिए। और यहाँ पे और भी आयरन है तो ये भी मैं ले लेता हूँ फटाफट। तो चलो गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारे पास 6 आयरन, तो इससे मैं बना लेता हूँ 2 पिकेक्स, एक दे देता हूँ हीरोब्राइन को और एक रख लेता हूँ खुद अपने पास। तो हीरोब्राइन ये लो। ओके स्टिक्स दे रहे हो तो मेरे को, ठीक है तो मैं स्टिक्स ले लेता हूँ। और ये लो पिकेक्स, अब इससे माइनिंग करनी है तुम्हें, ठीक है रईसों वाले जिंदगी बंद अब तुम्हारी। अरे मैंने पिकेक्स दिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर्टी माइन करना स्टार्ट कर दो। अभी माइनिंग करने जाएंगे हम, अभी रुक जाओ। जाओ तुम आयरन लेके आओ कहीं से, जब आयरन लेके आओ आर्मर बनाएंगे, और कोल भी लेके आना कहीं पे मिले तो। राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज अभी मैं हीरोब्राइन को ऑर्डर दे रहा हूँ भाई, और हीरोब्राइन मेरे ऑर्डर सुन भी रहा है। भाई यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि हीरोब्राइन मेरे ऑर्डर सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है। अरे इतनी जल्दी आ गए, क्या क्या लेके आयो, क्या लेके आयो, इतनी जल्दी क्यों आयो? ये क्या है भाई? ये डियोराइट ले आया, ये नहीं आयरन लाना है, आयरन आयरन। ये देखो जो ये यहाँ पे स्मेल्ट किया ना हमने, ये इसे आयरन कहते हैं, ये आयरन ये लाना है तुम्हें, ठीक है। और जिससे फर्निश जलता है वो ब्लैक कलर का कोल लेके आना है तुम्हें। यार ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, तुम माइनक्राफ्ट के बॉस हो तो, और तुम्हें यही नहीं पता, जाओ जल्दी लेके आओ। भाई ये बंदा इससे आयरन लाने का बोला था, ये डियोराइट ले आया। मेरे पास 7 आयरन हो चुका है तो मैं एक हेलमेट बना लेता हूँ। अब हीरोब्राइन को पता नहीं आर्मर की जरूरत है भी या नहीं, पर मुझे तो है भाई, क्योंकि बिकॉज अगर एक क्रीपर भी मेरे पास आके फट गया ना तो मेरा काम वही खत्म हो जाएगा। अभी के लिए मैं और नीचे चलता हूँ, और हीरोब्राइन पता नहीं कहाँ पे माइनिंग करने गया होगा। चलो यहाँ पे मेरे को थोड़ा और आयरन मिल चुका है। और भाई साहब मेरे पास स्केलेटन कहाँ से आया? ओहो ये मेरे को मार रहा है भाई, हीरोब्राइन भी नहीं है मेरे पास में, मेरे को तो घेर लिया भाई इन्होंने। अरे आ गया हीरो, दन 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 दन। भाई नाम लिया और बंदा आ गया, इतनी जल्दी कैसे हीरोब्राइन? भाई साहब जैसी मुसीबत में था ये एकदम आ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आए, इतनी जल्दी कैसे आए? क्या तुमने अपनी पावर्स का यूज किया है? पावर्स का यूज किया तुमने अपनी? क्यों? ओ मेरे को बचाने के लिए? अरे तो क्या हुआ, मैं मर जाता उसके बाद मैं वापस स्पॉन होकर आ जाता। और भाई ये आयरन ले आया, कितना आयरन लेके आयो? A few moments later. Finally, अब हमारा पूरा का पूरा आर्मर बन सकता है। और ये देखो भाई लाइटनिंग कर दी, मतलब लाइटनिंग के बिना तो ये बंदा रह ही नहीं सकता यार। अरे भाई क्या क्या कर क्या रहे हो ये? भाई हर बार लाइटनिंग करनी जरूरी नहीं होती, मैं समझ जाता हूँ तुम आगे। अभी मैं आयरन का वेट कर रहा था, अभी मैं डर गया भाई इतना बुरा। ओ भाई ये लैपिस भी लिया है भाई, इतनी चीजों की तो जरूरत भी नहीं है हीरोब्राइन, जितनी जल्दी तुम लेके आ रहे हो ये सारी चीजें। तो गाइज अपना पूरा का पूरा आर्मर बन चुका है, टूल्स भी बन चुके हैं, और ये टाइम है डायमंड माइनिंग का। तो चलो फिर चलते हैं, हीरोब्राइन तैयार हो डायमंड माइनिंग के लिए? ओ शील्ड, अरे भाई शील्ड तो मैं भूल ही गया था। अब ऐसा करते हैं हम चलते हैं यहाँ से डायमंड माइनिंग के लिए, हमें जाना है Y-Level 59 पे, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई, चलो तो फिर आओ यहीं से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। आओ तुम भी माइनिंग करो साइड में, मेरे वाले उसमें आके नहीं आना तुम्हें। भाई इस ये मेरे साथ ही चल रहा है या फिर अलग चल रहा है, अभी देखता हूँ। अरे 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 हीरोब्राइन मैंने पकड़ लिया तुम्हें, ऊपर देखो ऊपर। और ये तुम अपने बिना पावर्स का यूज करे माइनिंग कर रहे थे हैं? भाई कितना ये बंदा कितना झूठ बोलता भाई। बहुत बढ़िया भाई, पकड़े गए रंगे हाथ, पकड़े गए रंगे हाथ। इधर आ जाओ चुपचाप, हाँ तुमने अपनी पावर्स का यूज तो कर ही लिया, अब इधर आ जाओ, इधर ये देखो भाई क्या ही पकड़ा है मैंने इसको रंगे हाथ। तो इतनी देर से जो तुमने मुझे आयरन और एक कोल सब दिया, ये भी दिया है अपनी पावर से? नहीं, मैं वही सोचूं भाई हीरोब्राइन अभी मेरे साइड में ही माइनिंग कर रहा होगा, और जब मैंने यहाँ पे आके देखा ये नीचे पहुंच गया। अब ऐसा ना, चलो इधर माइनिंग करो मेरी आंखों के सामने, यहाँ से माइनिंग करो, अब करो तुम अपनी पावर्स का यूज। हाँ ऐसे ही बहुत बढ़िया, चलो करो माइनिंग, बहुत बढ़िया। अब हमें जाना है Y-59 पे। बस बेडरॉक आ गया, अब यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर जाना है, इधर तो ग्रेवल है, इधर आ जाओ। अब मेरी बात सुनो ठीक है, तुम इस वाली रो में आगे जाओगे, ऐसे स्ट्रेट माइनिंग करनी है, 2 ब्लॉक्स हटाने हैं तुम्हें, और डायमंड मिलेंगे तो उनको कलेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है?
और आयरन की पिकैक्स, जो मैंने पिकैक्स तुम्हें दिया ना इसी से तुम्हें डायमंड को तोड़ने है, ठीक है? कोई चालाकी नहीं चलेगी। और हाँ, इस बार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है और इस बार मैं पता लगा लूंगा कि तुम अपनी पावर यूज कर रहे हो या फिर नहीं। अपनी पिकैक्स दो मुझे, मेरे को उसकी हेल्थ देखनी है। उसके बाद मैं बीच बीच में आऊंगा तुम्हारी पिकैक्स की हेल्थ देखने, ठीक है? तो तुम्हारी पिकैक्स की हेल्थ अभी इतनी है और अब मैं चेक करूंगा, अगर तुम्हारी पिकैक्स की हेल्थ कम नहीं हुई तो फिर मैं बताऊंगा। और इस बार मैं पक्का फिर तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? समझ गए? समझ में आ गया? ठीक है, तो जाओ यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करो। चलो तो चलो गाइस, फाइनली मैंने हीरो बैंड को समझा दिया और होप सो ये मेरी बात समझ जाए भाई इस बार। चलो गाइस, अब फटाफट हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे यार मेरे को मिल चुके अपने सर्वाइवल के फर्स्ट डायमंड्स। तो चलो फटाफट मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और फर्स्ट डायमंड और ये है सेकंड डायमंड। भाई ओ भाई, यहाँ पे और भी डायमंड्स है। तो गाइस ये रहा थर्ड डायमंड एंड फोर्थ डायमंड। भाई साहब, और एक सेकेंड, ये हीरो ब्राइन ने इतना ज्यादा माइन कर दिया भाई साहब। भाई एक माइनिंग तो हम लेकिन एक सेकेंड, ये कौन था? वाह भाई, ये यहाँ सो रहा है। लेकिन एक सेकेंड, ये सामने माइनिंग कौन कर रहा है फिर? अरे एक सेकेंड भाई, ये क्या चीज है? भागो। अरे भाई हीरो ब्राइन को मेरे को जल्दी से जाकर उठाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई ये क्या चल रहा है। हीरो ब्राइन, अरे हीरो ब्राइन तुम यहाँ सो रहे हो? हीरो ब्राइन उठो, हीरो ब्राइन उठो, हीरो ब्राइन वहां पे सामने की तरफ पता नहीं कौन माइनिंग कर रहा है। पता नहीं इस वर्ल्ड में भी कोई आ गया, जाके देखो तुम। तो अब तुम अपनी पावर्स का यूज कर सकते हो, जाओ जाओ, वो पता नहीं कौन है। चलो 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 चलो, देखो वो पता नहीं कौन है। भाई ये क्या चल रहा है यार? हीरो ब्राइन देखो, ये पता नहीं कौन है। और एक सेकंड, ये मुंह नीचे करके खड़ा है। लेकिन एक मिनट, ये मेरे को कुछ कह क्यों नहीं रहा है? हीरो ब्राइन इसकी आंख सफेद है और तुम्हारी आंख भी सफेद है। लेकिन एक सेकंड, अरे भाई मैं तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ। ओ एक सेकंड, ये माइनिंग कर रहा है और इसकी आंख भी सफेद है, तुम्हारी भी। कहीं तुम इसको कंट्रोल तो नहीं कर रहे? ओ भाई साहब, इसको डायमंड में मिल गए। एक डायमंड, दो डायमंड, तीन डायमंड, चार, पांच डायमंड। भाई साहब, और ये कैसा ज़ॉम्बी है भाई? लड़ भी नहीं रहा, ये माइनिंग करे जा रहा है। अरे हीरो ब्राइन ये चल क्या रहा है? तुम कुछ समझाओगे क्या? तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो? तो मतलब तुम्हारे कहने पे वो ज़ॉम्बी अपना काम धंधा छोड़ के मुझे मारने की जगह माइनिंग कर रहा है? भाई यार इस बंदे का क्या ही करूं भाई, देख रहे हो मतलब। अरे सर सर, आप तो सर हो, आप मतलब महाराजा हो, आप खुद काम नहीं कर रहे। तुम्हें मैंने माइनिंग के लिए बोला था, तुम ज़ॉम्बी से माइनिंग करवा रहे हो उस बेचारे से। भाई वो उस बेचारे का काम ऐसे हू करते हुए इधर उधर घूमना है और तुम उससे माइनिंग करवा रहे हो बेचारे से। ओके, इसने मेरे को शायद कोई बुक दी, ये मेरे से कुछ कहना चाहता है। लेकिन वो सब कुछ सर्वाइवल में कर रहा है, नो चीटिंग टैडी, जैसे कि तुमने बोला था। ओहो, मतलब यहाँ पे तुम अपना 100 IQ लगा रहे हो। खैर अब मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, लेकिन हाँ हो तो सब कुछ मतलब बिना पावर के रहा है, वो माइनिंग कर रहा है और हीरो ब्राइन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है फिर तुम्हें जैसे माइनिंग करनी है करो फिर, और क्या। ये लो अपनी वापस बुक रखो अपने पास, और हाँ करवाओ अपने अपनी आर्मी से माइनिंग करवाओ। साहब क्या ही करूँ यार मैं तो, मैं तो जा रहा हूँ माइनिंग करने। जाओ सर, आपको कुछ पानी वगैरह खाना वगैरह चाहिए होगा तो मेरे को आवाज़ मार देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? भाई कितना ग्रेवल है यार यहाँ पे, और मेरे पास सोल भी नहीं है। और एक सेकंड भाई, ये ज़ॉम्बी क्या करने आ रहा है भाई? ये इतना डरावना है, एक तो भाई मेरे को इससे वैसे डर लग रहा है भाई। अरे यार भाई मैं क्या करूँ, डर भी लग रहा है। हीरो ब्राइन कहाँ हो तुम? भाई ये डायमंड लेकर आ रहा है। ओके ये मेरे को डायमंड देने आया है और ये फ्लिंट भी दे दिया। ओके ओ 24 diamonds मिल गए तुम्हें माइनिंग करने से। भाई साहब अरे मर गया ये मर गया मेरी आंखों के सामने कैसे? लेकिन हेलो हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन अरे भाई आ गया भाई। ये क्या था? वो ज़ॉम्बी मेरी आंखों के सामने मर गया, तुमने मारा उसे? यार ये गलत बात है यार, तुमने भाई उस बेचारे से इतना काम करवाया और लास्ट में काम करवा के उसे मार दिया। खैर भाई उसको डायमंड इतनी ज़्यादा जल्दी मिले, 24 diamonds। शायद भाई वो ज़ॉम्बी है तो उसको यहाँ के चप्पे चप्पे का पता होगा कि कहाँ पे डायमंड्स मिलेंगे कहाँ पे नहीं, है ना? यही बात है ना कि इसलिए उसको इतनी जल्दी डायमंड मिल गए। वो ज़ॉम्बी ने खैर तोड़े तो सर्वाइवल से, तो चलो फिर तो इसी बात पे मैं इन डायमंड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब ऐसा करते हैं, हमारे पास इनफ डायमंड हो चुके हैं, इतने से हमारा आर्मर और एक डायमंड की पिकैक्स बन जाएगी। तो चलो फिर चले ऊपर। छोड़े अच्छे से बात कर सर। अरे अरे आपसे मैं ऐसे कैसे बात करूँ सर? ऊपर चले सर, ऊपर चले, है ना सर? भूख लग रही आपको? अरे सर आप अपने पैरों से ऊपर जाओगे क्या? एक आध हॉर्स बुला लो, उसके ऊपर बैठ के जाना, मतलब रईसों वाली जिंदगी सर। अरे सर आप आपके पैर दुख रहे होंगे, पैर दबा दूँ सर आपके? हैं पैर दबा दूँ? भाई देखो हाँ बोल रहा है। भाई क्या करूँ यार इस बंदे का, भाई ज़ॉम्बी से माइनिंग करवाई है इसने। आजा भाई आजा आजा,
अरे सर आप सर धन्य कर दिया सर, आपने यहाँ पे ब्लॉक लगा रहा हूँ, अब ऐसे करेंगे सर हम, आप जंप करना और मैं ब्लॉक लगाऊंगा एंड इसके बाद हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो इधर आओ, चलो। गया भाई, क्या फायदा हुआ इतना समझाने का। One eternity later. तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं ऊपर और अब बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइज यहाँ पे यार मैं आ चुका हूँ और अब फटाफट सो के दिन कर लेते हैं। क्या हो गया, मार क्यों रहे हो, क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा तुम्हारे घर में जाके सो, तुम्हारे घर में? अरे नहीं भाई सॉरी, अरे सर हम गरीब आदमी, हम आपके अमीर घर। अरे 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 लाइटिंग मत करो सर। अरे सर देखो मेरी बात सुनो, आप सर ज़ोंबीज से माइनिंग करवाते हो, बताओ। तो सर देखो हम गरीब आदमी हैं सर, हम आपके इतने अमीर घर में नहीं सो सकते, ठीक है? तो मेरे को प्लीज़ यहीं पे सोने दो, ठीक है? जाओ तुम सो मस्त, जाओ सर अपने मॉडर्न हाउस में स्विमिंग पूल में नहा के सोना मस्त, अच्छी नींद आएगी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने। भाई ये मेरे को फिजिक रोड से खींच के लेके जा रहा है। नहीं आऊँगा भाई, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। और तुमने अगर अपनी पावर्स का यूज़ करके मेरे को वहाँ पे बुलाया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। तो चलो गाइस फाइनली दिन हो चुका है और हीरो ब्राइन भाई अपने बंगलो यहीं पे है। अरे ठीक है भाई, अब तो सुबह हो गई, अब थोड़ी सोऊंगा मैं। तो चलो अब मैं बनाने वाला हूँ डायमंड कार्मर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक हेलमेट, देन हम बनाएंगे एक वेस्ट, एक लेगिंग, बूट। तो फाइनली गाइज हमने यार अपना गोल अचीव कर लिया है, मैंने बना लिया है डायमंड का आर्मर। तो यस ये था यार अपना सर्वाइव सीरीज का एपिसोड 2। और रही बात हीरो ब्राइन के मॉडर्न हाउस की, तो भाई मैं चाहता तो हूँ कि इसको हटवाना, लेकिन यार आप सभी कमेंट करके बोल रहे हो कि भाई नहीं इस हाउस को मत हटाओ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे और हीरो ब्राइन के बीच में एक चैलेंज हो। अब वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है और उस चैलेंज को जो जीतेगा, मतलब जैसे कि अगर मैं जीत गया तो सिंपली हीरो ब्राइन को वो घर हटाना पड़ेगा, और अगर हीरो ब्राइन जीता तो वो इस घर को रख सकता है। हीरो ब्राइन ये चैलेंज सही रहेगा, बताओ सही रहेगा? ठीक है भाई हाँ बोल रहा है। तो गाइज यस आप सभी हमको कमेंट सेक्शन में कोई भी चैलेंज मतलब सजेस्ट करो। चलो गाइज यही तैयार आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन कॉल पे कर देना, बिकॉज नेक्स्ट वाले एपिसोड में डिसाइड होगा कि ये घर यहाँ रहेगा या फिर नहीं। तो चलो मैं मिलता हूं आप सभी को सर्वाइवल सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, पीस। भाई हाँ ये कर लो तुम, एक बार आग लगा दो भाई पूरे विलेज में।